नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी है, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे और संपन्न। दोस्तों, बुधवार के दिन है अमावस्या, बहुत ही गजब के दुर्लभ संयोग पड़ रहे हैं। आज के दिन वो तमाम लोग जिन्हें पितृदोष है, आज के दिन पिंडदान कर दे। पितरों की शांति के लिए आज छत पर मीठी खीर बना करके रखें, कौओं को खिलाएं, बेसन के बने हुए सेव गाठिए, आज के दिन कौओं को जरूर डालें। आज उन तमाम चीजों का दान करें जो आपके पितरों से जुड़ी हुई है। और आज के दिन दोस्तों, पीपल के पेड़ पर काले तिल डाल करके, जल में काले तिल डालें, थोड़ा सा गंगा जल डालें, घी का दीपक लगाएं और पीपल के पेड़ पर ओम नमो पितृदेवाय नमो नमः मंत्र बोलते हुए जल को चढ़ा दें, जल अर्पित करें। इससे पितरों को शांति मिलेगी। और आज सुबह उठते के साथ ही ओम नमो सर्व पितृभ्यो नमो नमः इस मंत्र को 3 बार जरूर बोले और अपने पितरों की जहां भी तस्वीर घर में लगी है, सुबह उठते के साथ उन्हें प्रणाम जरूर करें। और आज जब जो भी आप भोजन बनाते हैं उसमें मीठी खीर बनाएं और जो भी भोजन आपके पितरों को पसंद था वो भोजन बना करके उनका भोग लगाएं। 1 थाली गाय माता को भी जरूर खिलाएं। आज के दिन अपनी कुलदेवी को भी आप भोजन का भोग जरूर लगाएं। इतना करने से तमाम प्रकार के पितृदोष से आपको मुक्ति मिलेगी। करके देखिए, कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। जय श्री कृष्ण।